वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे राजस्थान पुष्कर के फेमस रबड़ी के मालपुए। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आज मैं आपको हलवाई स्टाइल में रबड़ी के मालपुए बनाना बताऊंगी। ये मालपुए 5 से 7 दिन तक खराब नहीं होते हैं। ये देखिए, एक मालपुआ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कितने अच्छे हमारे मालपुए बने हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी। देखिए, बहुत ही अच्छे मालपुए बने, आवाज आप सुन सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हमारे मालपुए बने हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हमें गाढ़ा करना है। पहले हम फुल फ्लेम पर, जब तक दूध बॉयल न हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो फ्लेम को हमें कम करना है, कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। बीच बीच में हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यदि आपके पास मोटे पेंदे की कढ़ाई है तो आप उसमें बनाइए, जिससे जो है दूध हमारा लगेगा नहीं। इस तरह बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। जब तक दूध हमारा आधा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। दूध अच्छा बॉयल होने लग गया, आप देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे ही हम इसको पकने देंगे, जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि दूध को जो है हमें बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि दूध जो है तले से लगे नहीं। आप देख सकते हैं दूध जो हमारा गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी के जैसे लग रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। दूध को यहाँ पर मैंने 45 मिनट तक कम फ्लेम पे हमने इसको पकाया था, जिससे दूध जो है बिल्कुल रबड़ी के जैसे गाढ़ा हो गया है। जितना अच्छा पकाएंगे उतनी अच्छी गाढ़ी रबड़ी बनेगी और उतना ही अच्छा टेस्ट मालपुए के अंदर आएगा। तो अब दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी खास चीज, जिससे जो है हमारे मालपुए का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारे मालपुए बनकर तैयार होंगे। वो खास चीज है हमारी शक्कर। तो 2 टीस्पून में शक्कर इसमें ऐड करूंगी। शक्कर डालकर हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है, ताकि बैटर में बिल्कुल भी लम्स और गुठलियां न रहे। तो पहले हम थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। बिल्कुल जो बैटर है हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बाकी बचे हुए मैदा भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी लम्स और गुठलियां इसमें नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल जो है मालपुए का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का जो है थिक बैटर हमें रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से हमें इसको फेंटना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स और गुठली नहीं रहनी चाहिए। मालपुए का बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं चाशनी। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप शक्कर ली है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1.5 कप। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेकर को मेल्ट होने देंगे। शक्कर को अच्छी तरह से हमें मेल्ट करना है। जब शक्कर मेल्ट होने लग जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को फुल ही रखा है। एक बॉईल आने पे हम फ्लेम को कम कर देते हैं। आप देख सकते हैं शक्कर जो है अच्छी तरह से मेल्ट होने लग गई है। तो यहाँ पे मैं अब गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम पकने देंगे। ज्यादा हमें नहीं पकाना है, हमें इसकी एक तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है, एक तार से कम ही हमें इसको रखना है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं कम और 5 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे कम फ्लेम पे। उधर शुगर सिरप हमारा तैयार होता है, तब तक हमने पैन में घी रख दिया है और घी को हम अच्छा गर्म होने देंगे मालपुए बनाने के लिए। घी की जगह आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी लेंगे तो ज्यादा टेस्टी मालपुए बनेंगे। आप चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। फुल फ्लेम पे हमें घी को मेल्ट करना है। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ज्यादा हमें तार नहीं बनाने हैं, इस तरह का ही हमें इसको रखना है। चाशनी को हमें इतना ही पकाना है कि हल्का सा जो हाथों पे चेप आ जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून लेमन जूस, ये इसमें मैं डालूंगी। आप सोच रहे होंगे चाशनी में लेमन जूस का क्या काम है। यही तो एक राज की बात है कि यदि हम शुगर सिरप में लेमन जूस डाल देंगे तो क्या होता है कि चाशनी के ऊपर, आपने देखी होगी बहुत सी बार कि शक्कर की जो है ऊपर से लेयर से बन जाती है, क्रिस्टल आ जाते हैं। तो लेमन जूस डालने से जो है वो क्रिस्टल नहीं आएंगे और चाशनी जो हमारी जम जाती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी।
तो गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। मैं डाल देते हैं लेमन जूस, मिक्स कर लेंगे। घी हमारा अच्छा गरम हो गया है, तो चलिए अब हम मालपुए बनाते हैं। बिल्कुल एक एक चम्मच से हम डालेंगे और इस तरह डालना है, बिल्कुल हमें एक ही जगह, ये अपने आप फैल के सेट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह हमें एक ही जगह पे डालना है, आप देख सकते हैं ये अपने आप सेट हो जाते हैं। जितने पैन में आएंगे उतने ही हम मालपुए बनाएंगे, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब मालपुए बनाने का जो बर्तन लेते हैं ना, वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपके मालपुए अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। अब इसको हम एक बार पलट देते हैं। इस तरह इनको हम ब्राउन होने तक सिकने देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। मालपुआ हमारा सिककर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब मालपुआ को हम शुगर सिरप में डाल देंगे और अच्छे से हम इसको डीप कर देंगे। इस तरह देखिए मैंने मालपुए को शुगर सिरप में डाल दिया है। बहुत ही अच्छे मालपुए हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया, आप देख सकते हैं। इस तरह देखिए अभी सभी मालपुए बनाने हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मालपुए हमारे बनकर तैयार हुए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम इन्हें शुगर सिरप में रहने देंगे, ताकि अच्छी तरह से जो है मालपुए अंदर से भी मीठे हो जाए। उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मालपुए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, दिखने में भी कितने सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाकी के बचे हुए मालपुए को भी हम शुगर सिरप में डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से वो भी मीठे हो जाएं। ये मालपुए हमारे 5 से 7 दिन तक खराब नहीं होते हैं। आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में रख दें। जब भी खाना हो हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करके आप उन्हें खा सकते हैं। कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसका कि हमें फॉलो करना पड़ता है। यदि हम उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। मालपुए बनाते समय ऐसी कुछ बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हमें जब मालपुए हम जब बनाएंगे तो हमें चौड़े पेंदे का बर्तन लेना है, जिसे आप तई भी बोल सकते हैं। तई में मालपुए बनते हैं, जिससे जो है मालपुए बहुत ही अच्छे और गोल गोल बनते हैं। दूसरा, यदि आप तई में बना रहे हैं और मालपुए आपके बिखर रहे हैं, फट रहे हैं, तो उसमें बैटर में आप थोड़ा सा मैदा और मिला लीजिए, जिससे कि है आपके मालपुए बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मालपुए बनाते समय हमें इनको कम फ्लेम पे डालना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है। और दूध जितना अच्छा गाढ़ा होगा मालपुए उतने ही अच्छे बनेंगे, उतने ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। जब हम मालपुए खाएंगे तो बिल्कुल अच्छा मावे के जैसा अंदर से टेस्ट आएगा, जैसे कि हमने उसमें मावा मिलाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।